विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है विपक्ष आज कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा लेकिन सबसे अहम जो विषय है वो आज है जिला विकास प्राधिकरण का ये विषय आज मनोज तिवारी जो कांग्रेस के विधायक है वो लेके आ रहे हैं 310 सौ पर इसकी चर्चा की मांग करेंगे क्या इसमें टेक्निकल फाल्ट है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं तिवारी जी किस तरह की प्रॉब्लम है विकास प्राधिकरण को लेकर सरकार ने कहा था कि स्थगित कर दिए गए हैं तो क्या इसमें विषय है देखिए कई ऐसे जिले हैं तेरह के तेरह जिलों में कई जिलों में ये जिला स्तरीय प्राधिकरण लागू था लेकिन उसके पश्चात जब प्रदेश में सरकार आई तो उन्होंने अन्य जिलों को भी इससे सम्मिलित कर लिया गया है हमारा ये कहना है कि पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति या मैगानी क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए ये बहुत अव्यवहारिक है बहुत व्यवहारिक है और इससे जो आम जन है उनको अपने नक्शे पास करने में बहुत सारी कठिनाइयां हो रही है जो मैं कहना चाहता हूं उसमें स्पष्ट है कि जो उसके प्रावधान किए गए हैं उतने कठोर हैं इतने जटिल हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना मकान अपना नक्शा नहीं पास करवा सकता अगर नक्शा पास भी करवा देगा मकान नहीं बना सकता है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है कि अगर कोई भी किसी मोहल्ले में जहाँ कार नहीं जा पा जहाँ साइकिल नहीं जा पाती है वहां पर अगर वो आवासीय भवन बनाएगा तो उसको वहां पर दो मीटर का रास्ता छोड़ना पड़ेगा अगर वो कॉमर्शियल बनाएगा उसी मोहल्ले में तो वहां पर उसको क्या कहते हैं वहां पर उसको साढ़े चार मीटर का रास्ता छोड़ना पड़ेगा और अगर वहां पर भवन बनाएगा उस मोहल्ले में तो उसको वहां पर कार पार्किंग का प्रावधान रखना पड़ेगा अनिवार्य जहां पर स्कूटर नहीं जा रहा है जहां पर साइकिल नहीं जा रही है तो वहां पर कार पार्किंग कहा जाएगी कार कहां जाएगी और उसका ए, कहां पर कार पार्किंग बनाएगा करके इसके साथ साथ जो सबसे मुख्य है कि नगर का जो उन्नीस का अधिनियम है उसमें आज तक सारे नक्शे नगर के अधीन होते थे वो पास होते थे और बहुत न्यूनतम शुल्क में होते थे और आज जब से प्राधिकरण लागू हुआ है तो पचास साठ हजार रुपये का लग रहा है उसमें लेबर लग रहा है डेवलपमेंट चार्जेस लग रहे हैं विभिन्न के शुल्क लग रहे हैं और उसके साथ जो अंडर टेबल जो कार्यक्रम हो रहा है तो उसका नक्शा डेढ़ दो लाख में पास हो रहा है एक और नगरपालिका कि जो वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है बहुत सारी नगर पालिका की उन पर वित्तीय भार पड़ रहा है उसके साथ साथ जो उसका राइट था नक्शा पास करने का जो सुविधा थी जनता की उससे वो वंचित हो रहा है उसके साथ साथ जहाँ तक है अन्य नगर पंचायत नगर पालिकाओं को तो बहुत ही नुकसान हो रहा था लेकिन अल्मोड़ा नगर पालिका ये स्पेसिफिक पे मैं कर रहा हूँ कि उसको चालीस से पचास लाख रुपया प्रतिवर्ष का नुकसान हो रहा है और लेकिन सरकार ने तो ये कहा था पिछली बार कि ये कैंसिल कर दिया स्थगित कर दिया उसको वापस ले लिया है तो अब आप सदन में क्या मांग रखेंगे देखिए सरकार दिखाए तो ना कि कहां वो दिखाए तो उसकी शासन आदेश दिखाए तो सरकार ने उसको स्थगित किया है उसको समाप्त नहीं किया है स्थगित अलग चीज है समाप्त अलग चीज है अगर सरकार समाप्त कर देती तो पुनः नगर उस नक्शे को पास करती आज भी अल्मोड़े में अगर कोई नक्शा पास करने जा रहा है तो नगरपालिका कह रही है भाई हम नहीं पास कर सकते और अगर प्राधिकरण में जा रहा है तो लोन लेकिन लोन लेने के लिए ले अगर बैंक में जा रहा है तो उसके बाद प्राधिकरण उस नक्शे को पास कर रही है तो ये खुद ही असमंजस की स्थिति है जनता बहुत असमंजस की स्थिति में है तो निश्चित से बहुत गंभीर विषय है संवेदनशील विषय है सरकार को प्राधिकरण जैसे जटिल को लेके इसको समाप्त करना चाहिए इसको स्थगित नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण में एक वृद्ध चर्चा करके और उसमें सत्ता पक्ष के मान्य सदस्य भी शामिल हो क्योंकि वो लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं उनकी क्षेत्र की जनता भी प्रभावित हो रही है और सदन में चर्चा हो अगर सरकार नहीं सुनेगी 310 में तो हम कोशिश करेंगे कि इसको नियम अठावन में ग्रह करने का करें और नियमठान में हम पूरी प्रमुखता से अपनी बातों को वहाँ पर स्पष्ट तरीके से रखने का काम करेंगे जनता की बातों को रखने का काम करेंगे धन्यवाद एबी गंगा के साथ बातचीत करने के लिए आपसे मनोज तिवारी कांग्रेस के विधायक जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिला विकास प्राधिकरण बन जाने से काफी तरह की दिक्कतें हो रही है पिछली सरकार के दौरान जिला विकास प्राधिकरण को स्थगित किया गया था समाप्त नहीं किया गया था लेकिन वहाँ जो स्थानीय लोग जो मकान कॉमर्शियल चीजें बना रहे हैं उनको बैंकों से लोन लेने के लिए नक्शा दिखाना पड़ रहा है जिस वजह से उन्हें काफी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है विपक्ष इस मुद्दे को आज सदन में पुरजोर तरीके से उठाने जा रहा है देहरादून से अपने सहयोगी मनमर रावत के साथ पंकज राणा ए गंगा एबीपी गंगा खबर आपकी जुबा आपकी